What is up guys, welcome back to another episode of Drop It. But इस वीडियो में बात करने वाले न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के बारे में. बेसिकली होम बेस नहीं, यह बिल्डर बेस. एंड आई थिंक मोस्ट जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, वो बिल्डर बेस को निग्लेक्ट करते हैं, वो लोग वैल्यू नहीं देते. बट हम यहाँ पर न्यू बिल्डर बेस रिकॉर्ड के बारे में बात करने वाले और उनके लाइव अटैक्स देखने वाले. एक अटैक्स देखेंगे इस बंदे का जिसने रिकॉर्ड बनाया, और उनके साथ में जो बंदे थे ना, वो सारे बंदे जो अटैक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं वो मैं बताऊंगा, ताकि तुम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो. और बस स्टार्ट से ट्रॉफी पोस्टिंग. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर चैनल पर अगर न्यू चैनल सब्सक्राइब करो, बाजू वाला बेल आइकन लगाओ, वीडियो पर लाइक होगा जितना हो सके उतना शेयर करो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर जो बंदा आर्मी यूज करता है ना, वो ये आर्मी यूज करता है. मैं तुम लोगों को पहले आर्मी दिखाता हूँ. ओके, ये आर्मी है जहाँ पे एक कैंप, मतलब टोटल पांच कैंप, छह कैंप है, उसमें से एक कैंप ये बार्ड, आर्चर एंड जायंट यूज करता है. ओके, उसके बाद आता है हमारा बॉम्बर, पीका एंड कैनन गार्ड. सबसे पहले मैं उस बंदे को बारे में दिखाता हूँ. और तुम लोग टॉप प्लेयर में जाओगे ना, तो तुम्हें वो बंदा दिख जाएगा. यहाँ पर जाना है टॉप प्लेयर में, जिसने ग्लोबल में रैंक किया था. और उसकी रैंकिंग यहाँ पर कितनी है, 7500. बट ऐसा नहीं है भाई, 7500 ट्रॉफीज हाई नहीं है. ओके, उससे भी ज़्यादा ट्रॉफी रेंज है, मानता नहीं है. चलो दिखाता हूँ, मैं तुम लोगों का एक किंग का दिखाता हूँ. इसका 7500 था ना, ये देख सकते हो 7500. सभी का 7500 के करीब ही है. किसी ने 7600 क्रॉस नहीं किया, बट एक बंदा जिसने रिसेंटली क्रॉस किया, उसका नाम है एक्सडी, एमर एक्सिड नाम का बंदा है, जिसने ये ट्रॉफी रेंज क्रॉस किया. तो यहाँ पर चेकआउट करना. ओके, यहाँ पर मैं इसके बेस पे जाते हैं. इसने ट्रॉफी रेंज क्रॉस किया 7650. ये हाईएस्ट ट्रॉफी रेंज है बिल्डर बेस के बारे में. ये हॉल ऑफ फेम या कहीं भी तुम्हें नहीं मिलेगा, ये बेसिकली तुम्हें जाके. और इसका टैग यहाँ पर देख सकते हो, इसका टैग जो है, आई थिंक जिसका सर्च करने में ईजी हो, टैग बता देता हूँ तुम लोगों को, 890RP2PVV. ये इसका टैग है, चेकआउट कर सकते हो. इसका नाम है एमर एक्सडी. और ये बंदा देख सकते हो मार्च में नंबर 5 नंबर पे आया था, मतलब 7500 ट्रॉफी पर. मतलब ये रिसेंटली 7500 पे आया था, बट इसने 7600 पुश किया था बाद में. बहुत लग बंदे ने इसने ट्रॉफी कम से कम 150 ट्रॉफी हारा. उसके बाद 7500 पे आके फिफ्थ रैंक पे आया. बट जो फर्स्ट रैंक था ना भाई, उसने भी 7600 को क्रॉस नहीं किया. तो तुम लोगों को मैं डायरेक्टली यहाँ पर दिखाता हूँ. ये बंदा था जिसने फर्स्ट आया, बट इसका भी 7500, ये देखो फर्स्ट रैंक है 7557, बट उसने 7600 क्रॉस किया. ओके, उसके अगर बेस में चेकआउट करते हैं, चलो मैं उनकी अटैक स्ट्रेटजी दिखाऊंगा तुम लोगों को. तो इसके बेस को चेकआउट करते हैं. चलो, और इसकी जो आर्मी कंपोजिशन जो मैंने कहा था सेम यूज करता है ये बंदा था, तुम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो यहाँ पर इसकी आर्मी देख लो, कैनन कार्ड, बार्बेरियन, आर्चर, बॉक्सर, यहाँ पर बॉम्बर, पीका. ये आर्मी है जो इस्तेमाल करता है, इसका नाम एक्सटी है. बट इसके मेन बेस में कुछ खास नहीं है, नॉर्मल टाउनल 13 है. ओके, 12 है, नॉर्मल टाउनल 12 है चैंपियन के साथ. बट ये बिल्डर बेस में काफी सुबाई मचा चुका है. ओके, यू गाइस शुड चेक आउट. चलो इसके अटैक्स देखते हैं. तो गाइस हम तो इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुम लोग जाकर अटैक देखो, काफी मस्त अटैक है. सो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.